हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। अतिथि बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि आपकी आईएससी की इंग्लिश में फर्स्ट स्टोरी है। इस स्टोरी को आज हम इसके पार्ट वन, जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी में हम लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अतिथि के स्टोरी के लिए आपको हमारा पहला वीडियो, जो कि अतिथि का कंप्लीट बैकग्राउंड और टेक्स्ट है, उसको आप देख सकते हैं, वो ये वीडियो है। हम यहाँ पर इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन के रूप में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन है, व्हाई डिड मोतीलाल बाबू गेट हिज बोट मूव्ड नियर रिवरसाइड मार्केट। मोतीलाल बाबू ने अपनी बोट को रिवरसाइड मार्केट में क्यों मूव कराया या वहां पे क्यों रोकने की कोशिश की? तो वहां पे था टू बाई अ न्यू क्लॉथ, क्या ये रीजन था? नहीं, ये रीजन नहीं है। तो बाई अ न्यू क्लॉथ, ये गलत रीजन है। टू बाई इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी रॉन्ग रीजन है, और इसके कारण ऑल अबव द ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे केवल टू गेट हिज रूटीन मील प्रिपेयर्ड। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस में कंफर्मेशन ले लेना है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, वेयर डिड तारापदा वॉन्ट टू गो बाई बोट। तारापद कहाँ पर जाना चाहता था बोट के माध्यम से? तो क्या ये चीज़ हमारा स्टेशन कथालिया था, या ये चारुशिला था, ये नंदीग्राम था, या सोनपुर था? तो आप जानते हैं कि वो नंदीग्राम के जो जमींदार थे उनके उस यात्रा ट्रूप को ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए वो नंदीग्राम जाना चाहता था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप तारापदा डिड नॉट ज्वाइन। तारापद ने कौन सा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया? तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास है यात्रा ट्रूप, जो कि शायद उसने ज्वाइन किया था, तो ये सही हो जाता है। पांचाली सिंगर, इसको भी उसने ज्वाइन किया था। जिम्नास्टिक ट्रूप, ये भी सही हो जाता है। चैरियट फेस्टिवल ट्रूप, इसको ये वांटेड टू ज्वाइन, इसको ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसने इन सारे ट्रूप्स को ज्वाइन कर लिया था और वो इनके साथ रुका था। ठीक है, तो आपको जहां पर भी कोई ऑप्शन नहीं कहा जाता है वहां पे एक्स्ट्रा कॉशस होकर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाई डिड मोतीलाल बाबू कंसेंट तारापद रिक्वेस्ट अलाउइंग हिम टू सेल विद देम इन बोट। मोतीलाल बाबू उसे क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? इसके लिए रीजंस में आप देखें तो पहले रीजन को यहाँ पे दिया है, ही वुड हेल्प देम टू प्रिपेयर देयर मील। ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि तारापद के साथ ऐसी कोई कंडीशन उन्होंने नहीं लगाई थी। ही वुड एंटरटेन देम ऑन द वे, इसकी क्वालिटी के बारे में उनको ज्ञात नहीं था, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई प्योर एंड नेचुरल इनोसेंस ऑफ तारापद एक्सप्रेशन। दिस वन इज करेक्ट आंसर। एंड ये जो लाइन है ये आपको लर्न कर लेनी है, क्योंकि ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से आपको यूज करनी होगी। हिज वाइफ लाइक हिम, ये भी कोई ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तारापद इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसलिए बड़ा होशियारी से ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, और इन ऑप्शन में आप देखिए क्या ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। तो पहला है, ही हैड वोरेसियस अपेटाइट। ये क्या चीज थी? ये इसको हम गुलिबल बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति होता है, जो बहुत पेटू व्यक्ति होता है, इसके लिए आता है। तो एंड सेकेंड है, ही डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस, ये करेक्ट हो जाता है। हिज फैमिली मेम्बर्स डॉटेड ऑन हिम, लव करते थे, यस डेफिनेटली, एंड ही वॉज वेरी ऑफ टाइस, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत हो जाता है वो पहला वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए को हम राइट आंसर में ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, वाई डिड तारापद रन फ्रॉम हिज फैमिली। तारापद अपनी फैमिली से, अपने घर से क्यों भागा? तो पहला हो जाता है, ही वॉज कंपेल्ड बाई हिज पॉवर्टी, नो दिस इज नॉट करेक्ट। ही वॉज स्कोल्डेड बाई हिज ब्रदर, नो दिस इज नॉट करेक्ट। ही वॉज अनॉयड बाई हिज मदर, नन ऑफ दिस। एंड ही वॉज सो हिज ओन फ्री विल, ऑल दो एक वर्ड वहां पर यूज किया गया है, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड आउटसाइड, इस फ्रेज को वहां पर यूज करके ऑप्शन दिया गया है, बट उसका मीनिंग आपका ये होता है, इसलिए आपकी ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन दैट मेड तारापद एज अ वंडरलस्ट। तारापद की वंडरलस्ट क्या चीजें थी, क्यों आखिर वो ऐसा चाहता था, क्या उसकी क्वालिटीज थी? तो पहला ही, टू ट्रेवल विद द यात्रा ट्रूप, ये बिल्कुल सही है, बट इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव इज नॉट राइट आंसर ओवर हियर। यहाँ पे कहीं पर हमें, जैसे ही वो हिज अ लॉन्गिंग टू बी फ्री, ये उसका करेक्ट आंसर है। टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड आउटसाइड, ये भी करेक्ट आंसर है। तो ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इस कारण ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, और ऑल ऑफ द अबव होने पर यहाँ पर हम ऑल ऑफ अबव को भी करेक्ट कर सकते थे।
बट यहाँ पे नहीं करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो इनमें दिया गया है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द सेंटेंस गिवन बिलो। पहला है और सेंटेंस है तारापद वाज एज वेरी ऑफ टाइज एज अ यंग फॉन, जैसे कि एक हिरन के बच्चे को जो टाइज होती हैं, जो बंधन होती हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो बहुत परेशान करती हैं और वो बिल्कुल नहीं पसंद करता, लाइक वाइज तारापद ऐसा करता था। तो जहाँ कहीं भी हमें लाइक मिल जाता है, हमें सो मिल जाता है, हमें एज मिल जाता है, वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमली होता है और यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर आपका ये वर्ड न यूज हुआ होता तो ये मेटाफर हो सकता था। अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, व्हाट वाज द थिंग दैट लर्ड तारापद व्हेन ही रन अवे फ्रॉम हिज होम फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या चीज थी तारापद के घर से भागने पर जो पहला रीजन बना था वो क्या था, तो क्या रीजन बनता है उसको ऑप्शंस में देखते हैं। पहला है द पांचाली सिंगर्स, म्यूजिक फ्रॉम द फ्लूट, द सॉन्ग ऑफ यात्रा ट्रूप एंड द स्किल ऑफ जिमनास्ट। एक्चुअली ये चारों के चारों चीज़ें तारापद को अट्रैक्ट करती हैं उसके पूरे ड्यूरेशन के दौरान, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉन्ग ऑफ यात्रा ट्रूप वॉज द थिंग जिसको देख कर सुन करके उसने अपने घर को छोड़ दिया था। लेटर ऑन उसने पांचाली सिंगर को फर्स्ट ऑफ जो उसने इसमें से पांचाली सिंगर को सबसे पहले ज्वाइन किया हुआ है, फिर उसने स्किल ऑफ जिमनास्ट को ज्वाइन किया हुआ है और इन्हीं से उसने म्यूजिक ऑफ फ्लूट बजाना सीखा था। तो इस बात को आपको याद रखना है, सीरीज में भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज द अट्रैक्शन ऑफ तारापद इन गोइंग टू नंदीग्राम, तारापद नंदीग्राम क्यों जाना चाहता था, इस विषय पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, टू अमेच्योर यात्रा ट्रूप, नेचुरल ब्यूटी ऑफ नंदीग्राम, चैरियट फेस्टिवल और पांचाली रिसाइटर्स। तो यहाँ पर तारापद वॉन्टेड टू ज्वाइन अ अमेच्योर यात्रा ग्रुप जो कि नंदीग्राम के जमींदार द्वारा फॉर्म किया जा रहा था और ये लैविश स्केल पर था, इस बात को लेकर के तारापद इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रूप ऑन तारापद, तारापद पर कौन से जो वेरियस ट्रूप्स थे उनका क्या असर पड़ा था, तो जो वेरियस ट्रूप्स थे उन पर तारापद की वर्किंग का क्या असर पड़ा था, तो पहला था ही लर्नड, उससे बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई थी, ही लर्नड यूज फाउल लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज बैड हो गई थी, क्या ये था, नहीं था। ही लर्नड टू स्टील, नो। ही रिमेन्ड अनबाउंड ऑफ एनी काइंड ऑफ हैबिट एंड कस्टम एंड ही लर्नड टू सिंग प्ले एंड फ्यूट। अब यहाँ रिमेन्ड अनबाउंड ऑफ एनी काइंड ऑफ हैबिट आ कस्टम और ही लर्न टू सिंग एंड प्ले द फ्लूट, तो यहाँ पर टू लर्न सिंग प्ले फ्लूट ये डिफरेंट उसके लिए आता है, तो यहाँ पर हम इसको भी सही कर सकते हैं, इसको भी सही कर सकते हैं, बट ये जो रिमेन अनबाउंड ऑफ हैबिट एंड कस्टम, क्योंकि वो चेंज करता रहा था, ग्रुप और कंपनी चेंज करता रहा था, यही रीजन है कि उसके पास पेक्यूलियर कोई भी क्वालिटी नहीं डेवलप हुई थी, तो इसलिए ऑप्शन सी को मैं अपने अकॉर्डिंग करेक्ट करूंगा। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन भी देखा जा सकता है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन गिवन बिलो, इस नीचे दी गई लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ही वॉज डीप डाउन इंटायरली डिटैच्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी डी डी, सो ये एलिट्रेशन हो जाता है और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के तौर पर, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अन्नपूर्णा फील डिस्टर्ब्ड बाय तारापदा, तारापद के रिएक्शन से अनपूर्णा डिस्टर्ब फील करती है क्यों, ही डिड नॉट ओबे हिज कमांड, नो, क्योंकि वो इस तरीके की डोमिनेटेड लेडी नहीं थी, ही डिड नॉट शो एनी लाइकिंग टू हर, उसने उसके प्रति कोई लाइकिंग नहीं दिखाई, इसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी, एंड नेक्स्ट था ड्यू टू इनडिफरेंस टू हर हॉस्पिटैलिटी, दिस वन इज करेक्ट आंसर, एंड ये भी हमारा ड्यू टू नेग्लिजेंट एटीट्यूड, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ तारापदा हैव बीन कंपेयर्ड विद द नेचर, तो तारापद का नेचर के साथ कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो हमेशा के लिए शो किया गया है, इक्वल शो किया गया है, तो तारापद की जो सीरिनिटी है, सीरिनिटी मतलब पीसफुलनेस एंड कामनेस, और नेक्स्ट है डिटैचमेंट, अनकंसर्न टू एनीवन, किसी को क्या गुजरेगा वो इस बात का नहीं ध्यान रखता था, इवन उसे अपने मदर और अपने ब्रदर के बारे में भी केयर नहीं थी, तो यही नेचर का मेन रूल है, तो सीरेनिटी एंड डिटैचमेंट आर द करेक्ट ऑप्शंस, सो हम ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, क्योंकि बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ लिसनर्स व्हेन तारापदा फिनिश्ड सिंगिंग पांचाली। तारापद ने जब पांचाली सिंगिंग फिनिश की तो सब पर क्या असर था? तो पहला था इट टुक देम टू ट्रांस, ये लगभग उनको हाफ अनकॉन्शियस सेंस में ले गया। दे विश टू इट वुड लास्ट फॉर एवर, यह हमेशा चलता रहे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इट सीम्ड लाइक अ म्यूजिक फ्रॉम हेवन, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शनल क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट वर चारुशशि इनिशियल फीलिंग फॉर तारापदा। चारुशशि की तारापदा के बारे में क्या इनिशियल फीलिंग थी? तो इनिशियल फीलिंग में वो उसके बारे में क्या सोचती थी? तो अगेन फर्स्ट डे से जैसे ही तारापद मोतीलाल बाबू और अन्नपूर्णा का डियर हुआ, एनवी एंड जेलस, दिस वॉज द मेन फीलिंग अबाउट तारापद फ्रॉम चारुशशि। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। चारुशशि हैड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स, चारुशशि में इनमें से कौन सी चीजें थी? फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। चेंजेबल कहा जा सकता है बट फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि वो एडजस्टेबल नहीं थी। एंड नेक्स्ट रिसेप्टिव, जो चीज उसे मिले उसे एक्सेप्ट करने वाली, नो। ऑब्स्टिनेट, हटी, ये चूंकि वो स्टबर्न थे और इसके कारण हम उसे ऑब्स्टिनेट के सेंस में रखेंगे। जो चीज उसे चाहिए थी इसके लिए ही विलफुलनेस आता है और यहां पर हम इसी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में है व्हाट वाज अन्नपूर्णा थॉट व्हेन सी हर्ड तारापदा सिंग अबाउट लव एंड कुश, लव और कुश के बारे में अन्नपूर्णा की क्या थॉट थे? तो जब चारुशशि विल सॉफ्टन टू हियरिंग इट, ये नहीं था। चारु कुड बी अनॉयड, ये भी नहीं था। चारु कुड गिव अप हर टेम्परामेंट, इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पर हम किस चीज़ को देखें। यहाँ पे चारुशशि के बारे में ये था कि वो ये सोचती थी कि चारुशशि अपने टेम्परामेंट को, अपने सैडनेस को, अपनी जो स्टबननेस को है उसको छोड़ देगी और यहाँ पर इस कारण वो हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19, तारापदा कुड गेट टू नो पीपल विद अमेजिंग ईज एंड स्पीड। तारापद सबके साथ बड़े इक्वल टर्म में, बड़े अच्छे टर्म में आ जाता था, सबके साथ गुड बिहेवियर करता था, कैसे ऐसा संभव था? तो ही न्यू मैनी लैंग्वेज, ही वॉज इंगेजिंग एंड अपियर डिवाइन, ही कुड रीड देयर माइंड, ही कुड लर्न, ही कुड ल्योर पीपल विद हिज पेप टॉक। तो यहाँ पर ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, सारे लगभग यूजुअली सही हैं, बट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट को करेक्ट करना है। तो ही वॉज इंगेजिंग एंड अपियर डिवाइन, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। और सेकंड नंबर पर हम पेपटॉक को दे सकते हैं, बट चूंकि हमें एक ही करेक्ट करना है तो इंगेजिंग, चूंकि वो सबके साथ इंगेज हो जाता था, वही चीज़ पेपटॉक में इन्वॉल्व है, इसके कारण हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दिस लाइन। तो पहला ऑप्शन है हमारा पुअर सोनामणि फंबल्ड अ फॉल्स एक्सप्लेनेशन, अगेन फंबल्ड फॉर फॉल्स, एफ का हमारा रिपीटेशन यहाँ मिल रहा है, तो अगेन हम यहाँ पे एलिट्रेशन को ही टिक कर देंगे और एलिट्रेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट ऑप्शन हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। सिमली में हमें लाइकिंग मिलनी चाहिए, मेटाफर में विदाउट उसके हमें कंपेरिजन मिलना चाहिए, परसोनिफिकेशन में और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को लिविंग बिंग माना जाता है, इसलिए एलिट्रेशन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेयर डिड तारापद फर्स्ट मीट मोतीलाल बाबू, तारापद मोतीलाल बाबू से कहाँ पर पहली बार मिला था? तो ये आपको पता है, बाय रिवर साइड मार्केट वो उनसे मिला था, और रिवर साइड मार्केट में वो उनकी बोट के पास मिला था बट इन द बोट नहीं था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वो बाय रिवर साइड मार्केट उनसे मिला था, नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं, विच पार्टी डिड तारापदा गो विद फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कौन सी पार्टी थी जिसके साथ तारापद पहली बार गया? विद जिमनास्ट, इनके साथ तो तीसरी बार गया। विद पांचाली सिंगर, ये सेकंड ग्रुप था। विद टूरिंग यात्रा ट्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप था। और नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो पहली बार का ऑप्शन है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज चारुशशि। अब यहाँ पर एज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे कई क्वेश्चंस को आपको एक साथ सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। विच एज ऑफ चारुशशि व्हेन तारापदा मेट हर, तो तारापदा चारुशशि से कब मिला था? वो 9 एज की थी और 11 एज तारापदा के साथ उसकी मैरिज की लीव। तारापदा अपना होम अगेन एंड अगेन छोड़ देता था, किस बात के लिए वो छोड़ देता था? टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड, नो दिस इज नॉट करेक्ट। टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड आउटसाइड, दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन, हम इसी को ध्यान देंगे। हैव हिज फ्री विल, वो अपनी इच्छा पूरी कर सके, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। एंड टू मीट हिज लेडी लव, ये भी सही नहीं है। इन द कंपनी ऑफ जिमनास्ट तारापदा लर्न, कंपनी ऑफ जिमनास्ट में तारापद ने क्या लर्न किया? तो जिमनास्ट ने उन्हें प्लेइंग ऑफ फ्लूट सिखाया था और दिस वॉज, इस पे ध्यान रखना, उसे ठुमरी में अपनी म्यूजिक देनी होती थी और ये बात मेन उसका काम होता था। ठुमरी का भी कॉन्सेप्ट आप याद रखें। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, हाउ डिड तारापदा आंसर सर्चिंग क्वेश्चन ऑफ अन्नपूर्णा। तारापद के सर्चिंग क्वेश्चन, जो इनक्विजिटिव टेंडेंसी थी, उसको उसने कैसे आंसर किया? तो सेटिस्फैक्ट्री, नो।
जवाब पूरे नहीं देता था, हाफ हार्टेडली ये भी नहीं था, और नेक्स्ट है लैकोनिकली एंड विलिंगली। तो यहाँ पर आर्टफुली, इसको हम आर्टफुली के सेंस में जानते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मेन हो जाता है। बड़ी स्मार्टली जिन चीज़ों को वो बताना चाहता था वही उसने बताया, बाकी नहीं बताया, और विलिंगली नहीं था। हालांकि विलफुल था वो, लेकिन जानबूझ के वो आंसर नहीं देना चाहता था। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ गर्ल चारुशशि, चारुशशि किस तरीके की गर्ल थी। तो चारुशशि एडोरेबल थी, जेलस थी, काइंड हार्टेड थी, केयरिंग एंड कंपैशनेट थी। आप समझ सकते हैं शी वॉज अ जेलस, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तारापदास पेरेंट्स व, यहाँ पे बड़ा ध्यान देने वाली बात है, पेरी पुअर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको टिक कर देंगे, बट ये क्वेश्चन ऑप्शन ऑलरेडी इस ऑप्शन में इन्वॉल्व है, और रिच थे नहीं, हॉटी थे नहीं, हाई कास्ट थे, इस कारण ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप ऑप्शन पूरे देख लें उसके बाद ही अपने डिसीजन लें, ये बात मैं आपको एडवाइस करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वॉट एज चारुशशि प्लान टू बी मैरिड। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, चारुशशि 11 ईयर्स के एज पर मैरिड का प्लान उसका था, 2 ईयर्स के लिए तारापद वहाँ पर रुका था, एंड तारापद मीटिंग के टाइम पर आपका वहाँ पे 15 और 16 की एज का था, और लगभग 8 ईयर्स पहले उसने 7 और 8 की एज में अपने घर को लीव किया था। तो ये भी एजेस देखी जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। एंड नेक्स्ट है अबाउट तारापद चारुशशि एटीट्यूड वॉज, तो चारुशशि का एटीट्यूड जो था वो इनवियस पहले था, लेकिन लेटर ऑन वो उसके साथ पजेसिवनेस में आ गई थी, और वो उस पर किसी की भी ओनरशिप नहीं चाहती थी। यही रीजन था कि सोना मनी के साथ जैसे ही उसको पता चला कि सोना मनी न्यू तारापद, वो सोना मनी से भी अपने आप को दूर कर लेती है। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हम पजेसिवनेस को टिक करेंगे। अगले पार्ट में हम देखते हैं लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस को, जल्दी से इनको कंप्लीट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको वीडियो को इतने लंबे समय तक देखने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो अगले क्वेश्चंस में पढ़ते हैं जल्दी से, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय प्रोवाइडिंग अ ईच रीजन इन ब्रीफ। तो अगले ऑप्शंस में हम देख लेते हैं, पहला है मोतीलाल बाबू मूव्ड हिज बोट बाय रिवर साइड मार्केट बिकॉज ही वांटेड टू प्रिपेयर अ मील फॉर हिज फैमिली ड्यूरिंग जर्नी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और यही लॉजिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट में आप देख लेते हैं, मैं ब्लैक इंक ले लेता हूँ। मोतीलाल बाबू कंसेंटेड तारापदास रिक्वेस्ट टू गिविंग हिम लेफ्ट टू द बोट टू द नंदीग्राम बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विद द इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ हिज बिहेवियर एंड कैरेक्टर एस तारापदा वो जुवेनाइल बॉय विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के तौर पर हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है तारापद रन अवे फ्रॉम हिज होम बिकॉज ही वॉज वेरी ऑफ ह्यूमन टाइज एंड सोशल कस्टम्स एज यंग फॉन ही वॉन्टेड टू एक्सप्लोर वर्ल्ड आउटसाइड वर्ल्ड ही वॉज बॉय विद नेवर एंडिंग वॉन्डरिंग लस्ट। तो इस तरीके से आप अपने लॉजिकल आंसर्स को देखेंगे, यही लॉजिकल आंसर्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन का बेस बनेंगे। तारापद लेफ्ट यात्रा ट्रूप बिकॉज द हेड ऑफ यात्रा ट्रूप बिगेन टू ट्रीट हिम एज हिज ओन चाइल्ड एंड रेस्ट ऑफ द ट्रूप मेंबर्स ऑल्सो लाइक हिम वेरी मच विद द क्लोज रिलेशनशिप, एंड तारापद को रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए थी, यही रीजन था कि वो उसे छोड़ देता है। तारापद ज्वाइन द ग्रुप ऑफ पांचाली सिंगर, तारापद ने पांचाली सिंगर्स का ग्रुप ज्वाइन किया बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाई द म्यूजिक एंड सिंगिंग एंड ही लर्न रिसाइटिंग पांचाली बाई पांचाली सिंगर्स। तारापद फैमिली गेव अप सर्चिंग फॉर हिम बिकॉज दे हैड ट्राइड मैनी टाइम टू ब्रिंग हिम होम बैक बट नाउ दे गेव इन, अब उन्होंने सरेंडर कर दिया था, एंड मेड देयर माइंड टू सेट अबाउट तारापद हैज टू बी वॉन्डरर, वो तारापद को एक वॉन्डरर मान लेने को तैयार हो गए थे। और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, तारापद डिसाइडेड टू गिव जिमनास्ट गिव अप जिमनास्ट टू बिकॉज टू गो नंदीग्राम बिकॉज ही हैज हर्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अमेच्योर यात्रा ग्रुप ऑन अ लैविश स्केल बाय जमींदार ऑफ नंदीग्राम, जिसे वो ज्वाइन करना चाहता था चूंकि ये उसके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होता और उसे नए एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड को ले जाने में मदद करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापद डिस्पाइट हैविंग एनी कनेक्शन विद वेरियस ग्रुप्स, बहुत सारे कनेक्शन थे वेरियस ग्रुप से, लेकिन वो अनबाउंड एंड करप्टेड था बिकॉज ही नेवर कंप्रोमाइज्ड हिज विलफुलनेस एंड इनर क्वेस्ट, ही ऑलवेज केप्ट इन चेंजिंग हिज कंपनी एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। अगली हेडिंग्स देख लेते हैं, इन कंट्रास्ट टू हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस तारापद मोतीलाल बाबू के घर में 2 साल तक रुका बिकॉज ही वॉज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ पर वो इंगेज था अपने आप में लिटरेचर, विच ओपेंड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर हिम, जो कि तारापद की मेन क्वेस्ट थी। तारापद चाहता ही यही था कि वो नई नई चीज़ें सीखे और नया नया नॉलेज इकट्ठा करे अपने पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर देखें, आफ्टर इनिशियल रिलक्टेंस मोतीलाल डिसाइडेड टू मैरी हिज डॉटर टू तारापद बिकॉज ही थॉट
प्रॉफिट्स ऑफ मैरिज ऑफ हिज डॉटर चारु शशि विद तारापद। जब उसने चारु शशि की मैरिज तारापद के साथ करने के प्रॉफिट्स पे चर्चा की तो उसे लगा कि ये वो तो बेटर होगा कि उसकी बेटी कहीं नहीं जाएगी, और उसकी डॉटर का स्ट्रेंज बिहेवियर जो है वो उसकी इन लॉस के घर पे क्रिटिसिज्म और उसकी सेम का रीजन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से माँ बाप के जैसे दूसरा कोई बेटी को उसको ट्रीट नहीं करेगा, इसके कारण वो इस तारापद से अपनी बेटी की मैरिज को एग्री हो गए थे। नेक्स्ट है तारापद अप्रोच टू मोतीलाल बाबू। बिकॉज तारापद मोतीलाल बाबू के पास क्यों पहुंचा था हम सभी जानते हैं, ही वॉन्टेड टू टेक अ लिफ्ट टू नंदीग्राम टू ज्वाइन अमेच्योर यात्रा टू। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो तारापद बिगेन टू हेल्प मोतीलाल बाबू इन कुकिंग फिश। तारापद मोतीलाल बाबू की फिश कुकिंग में मदद करने लगा बिकॉज इट वॉज हिज नेचर टू इन्वॉल्व विद एवरी वन सेट स्केड्यूल एंड वर्क ड्यूरिंग हिज स्टे इन एवरी ग्रुप। नेक्स्ट ऑप्शन है अन्नपूर्णा आस्क्ड मैनी क्वेश्चन टू तारापद बिकॉज सी वॉज क्यूरियस एंड इनक्विजिटिव टू नो मोर एंड मोर अबाउट तारापदास पास्ट एंड फैमिली बैकग्राउंड। वो तारापद के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती थी, इसके कारण उसने ऐसा किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापद लेफ्ट हिज फैमिली, तारापद ने अपनी फैमिली क्यों छोड़ दी थी, बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ फ्री विल एंड वॉन्डरिंग लस्ट एंड ही डिड नॉट लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप एंड रिस्ट्रिक्शंस। म्यूजिक एंड सिंगिंग यूज टू लर्न हिम लाइक मैजिक अट्रैक्शन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन तारापद कुड नॉट स्टे लॉन्गर देन एनी ट्रूप बिकॉज एवरी टाइम ग्रुप ऑफ फैमिली और ट्रूप यूज टू डेवलप रिलेशनशिप एंड कनेक्शन विद हिम विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम। तारापद को ह्यूमन रिलेशनशिप में रिस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद थी और वो किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस और बंधन नहीं चाहता था, इसी के कारण उसने अपनी फैमिली भी छोड़ी थी, इस कारण वो ग्रुप को चेंज करता रहता था। तारापद वॉज लाइक बाय मोतीलाल बाबू बिकॉज ही वॉज अ बॉय ऑफ प्योर एंड सिंपल बिहेवियर एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है चारुशशि थ्रू इन टू स्विंग मूड बिकॉज शी कुड नॉट वियर सिचुएशन वेन हिज पेरेंट्स गिव ग्रेटर अट्रैक्शन एंड केयर टू एनी वन इन फ्रंट ऑफ हर। यहाँ पर उसको इसेंट्रिक कहा जा सकता है सन की, बट किसी भी बच्चे के लिए उसके माँ बाप से अगर किसी दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के मेंटल पर एक असर पड़ता है और इसके कारण वो बच्चा थोड़ा सा टॉन्ट्रम मिक्स हो जाता है और रिएक्शंस जिसको कह सकते हैं अब्रप्ट रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तारापद कुड अडेप्ट एनी सिचुएशन ऑफ वर्क बिकॉज ही हैड लर्नड अ लॉट अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप। तारापद बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में सीख चुका था और जानता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा एंड सोसाइटी के बारे में जानता था, तो यहाँ पर इसके कारण वो लॉजिकल थिंकिंग और पेप टॉक उसकी जो थी वो सबको अट्रैक्ट कर लेती थी और तारापद उनका बहुत चहेता हो जाता था। सोना मनी डिड नॉट विजिट चारू शशि फॉर अ वॉइल बिकॉज शी हैड फॉलन इल एंड वीक फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इन दिस वे हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्ले आपका आपकी ये पूरी स्टोरी डिस्कस कर चुके हैं और इस स्टोरी पर आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आपके सुझाव भी कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूँ, प्लीज़ हमें अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।